करती हूँ, स्केटिंग की प्लेयर हूँ मैं। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप जो है हम पहली बार खेल रहे हैं, क्योंकि ये एक पायनियर स्टेप है टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट इन यासीन स्पेशली। बहुत सारों के लिए तो एज ए हुंजा को ही पहली बार देख रहे हैं, तो एक एक्सपोजर भी है, एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी है। यासीन के टीम को स्पेशली फीमेल टीम को शेयर करते हैं नेशनल इवेंट में आज उन्होंने शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मुंतहा नूर है, मैं यासीन से ताल्लुक़ रखती हूँ, मैं क्लास सिक्स में पढ़ती हूँ। तो मैंने स्केटिंग की प्लेयर हूँ मैं। तो मैंने पहले स्केटिंग एक यासीन में एक टंकी से शुरू किया था जिसमें हम सीख रहे थे। तो उस छोटे जगह के बाद हम एक लेक में कर रहे थे जो कि वो भी यासीन में ही था। तो उसके बाद हम इधर आए तो हमने अपना बेस्ट दिया। मेरा नाम किवांश आज़ादी है, मैं टीम यासीन की कैप्टन हूँ, गर्ल्स टीम की कैप्टन हूँ। हम वहाँ से यहाँ स्केटिंग के लिए पहली बार आ रहे हैं। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप जो है हम पहली बार खेल रहे हैं। यहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, हमने बहुत अच्छी चीज़ें सीखी। यहाँ के लोगों के साथ हमारी इंट्रैक्शन बहुत अच्छी रही, हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा कुछ सीखा हम लोगों ने। और हमारे यासीन के उन लोगों को जो मतलब जिसने उन्हें हमें स्पॉन्सर किया उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। है और मैं मुझे यासीन से ताल्लुक़ रखती हूँ, मैं इधर यासीन आइस स्केटिंग गर्ल्स टीम को एज अ टीम मैनेजर में लीड कर रही हूँ। तो सबसे पहले यही कि ये फॉर द फर्स्ट टाइम है कि हमारी यासीन की जो गर्ल्स टीम है वो एक नेशनल लेवल पे खेल रही हैं, और ये मैं ये समझती हूँ कि ये एक पायनियर स्टेप है टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट इन यासीन स्पेशली, चूँकि यासीन एक बहुत एक फार फ्लंग एरिया है जहाँ पर ऐसी स्पेशली स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज़ वुमेन को गर्ल्स को नहीं मिलती हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। तो मैं जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं स्पेशली यासीन स्केटिंग क्लब का, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी जो गर्ल्स हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी दी कि वो सामने आए और अपनी जो डिफरेंट टैलेंट्स है, हिडन टैलेंट्स है, स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट जो उनके अंदर है उसको वो लोग यहाँ पे आके एज ए रिप्रेजेंट करें। और अगर मैं यासीन की पर्टिकुलरली एज ए सोसाइटी बात करूँ तो हम जानते हैं कि बहुत सारी ट्रेडिशनल माइंड सेट्स होती हैं लोगों की, कंजर्वेटिव माइंड सेट्स होती हैं, लेकिन उनमें रहकर हम ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं अब हम सिर्फ पढ़ेंगे। देखिए अकेडमिक्स तो होती हैं, लाइक अकेडमिक्स जो होती है एजुकेशन के यू नो लाइक शो यू अ पाथ, एक डायरेक्शन आपको देती है, लेकिन जो लाइफ स्किल्स होती हैं, जो ज़िंदगी में काम आने वाली जो असल जो नसीहतें होती हैं, एडवाइसेस होती है, जो नॉलेज होती है, वो उसको एज अ प्रैक्टिकली जो है हम स्पोर्ट्स के थ्रू ही अप्लाई करते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत प्राउड फील होता है जब मैं हमारी सारी इन बच्चियों को देखती हूँ खेलते हुए फॉर द फर्स्ट टाइम, घरों से इतने दूर निकले हैं। बहुत सारों के लिए तो एज ए हुंजा को ही पहली बार देख रहे हैं, तो एक एक्सपोजर भी है, एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी है। तो यही फर्स्ट स्टेप है जो हम सब ने लेना है, और मुझे बहुत खुशी के साथ मैं कह रही हूँ कि हमारी जो यासीन की जो गर्ल्स हैं उन्होंने ये फर्स्ट स्टेप लिया है टुवर्ड्स अ ब्राइटर फ्यूचर। तो बस यही कि इंशाल्लाह ऑल्दो हम कल हार गए कोई बात नहीं, लेकिन हमारी जो टीम स्पिरिट थी वो बिल्कुल जो है वो टॉप पे ही थी, क्योंकि बच्चियाँ बहुत खुश थी, वो कहती थी कि हमें बहुत खुशी है कि हमने खेला। और इसके अलावा गुलकिन जो टीम थी उनको भी मैं बहुत ज़्यादा दाद देना चाहूँगी, माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा खेला। और ओवरऑल जो गुलकिन की जो ऑडियंस थी, गुजाल की जितनी भी यहाँ पे लोग जो हमें होस्ट कर रहे हैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा मैं करना चाहूँगी। बहुत अच्छी उन्होंने हमें एक बहुत एक घर का माहौल उन्होंने दिया हुआ है, जिसकी वजह से ये भी एक वजह है कि हमारी जो बच्चियाँ हैं जो हमारी बॉयज़ टीम है वो बहुत एक कम्फर्टेबल जोन में वो लोग खेल रहे हैं और फुल कॉन्फिडेंट के साथ वो यहाँ पर जो है अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो सबसे पहले हम अपने यासीन के टीम को स्पेशली फीमेल टीम को हम शेयर करते हैं नेशनल इवेंट में आज उन्होंने शिरकत की, वो कि मेरे ख्याल में जीवन में फर्स्ट टाइम है कि किसी भी फीमेल टीम में, इसी तरह से हमारे जो आपको क्या होस्ट है गुलकिन के, हमारे भी फीमेल टीम है, तो हम जितने भी फीमेल टीम हैं क्योंकि यासीन एक दूरदराज इलाका है स्पेशल तौर से जो आए हैं, हम दिल के अथाह कह रहे हैं उनसे विंटर स्पोर्ट्स क्लब से जाने और पूरे गुलकिन की जाने से हम उनके जा रहे हैं। थैंक यू।